श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 13वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा के रसीला नगर स्थित अत्रि परिवार के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर रामकिशन, संसार चंद, रतनलाल, अरुण, वरुण, ज्योति, सीमा, अमन, शिवानी, नक्श, सना, कमल, हिमांशु, अनूप, गिरधारी लाल, चमनलाल, शामू, सुरेंद्र, हरि, सुखदेव, गुरुप्रसाद, रमेश कुमार, साहिल, शीला ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। तो वहीं प्रभात फेरी में शामिल सभी भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लकी गई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी, जंग बहादुर, जैकी, कमल डालिया, लकी, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज 13वीं प्रभात फेरी, आज 13वीं प्रभात फेरी लैके अपन सारे श्री गुरुदास मंदिर तो साढ़े वीर श्री राम किशन जी और उन्होंने पत्नी बीना जी। मैं कहना चाहवांगा कि ये जो गुरमुख परिवार है गुरु दरबार के नाल बहुत देर तो कम से कम 20-25 साल तो जुड़िया होया है और हूं तक सेवा करते आ रहे हैं। साड़ी भैन बीना जी जो कि साड़ी स्त्री सभा की मैंबर है, रोजाना ही सवेरे 6 बजे, कहने का मतलब है कि रोजाना ही सवेरे 6 बजे जाके गुरु महाराज जो है सफाई या जो भी काम है गुरु महाराज कर रही है। मेरा कहने का मतलब कि ये जो गुरमुख परिवार है बहुत देर तो जुड़िया है और इन्होंने अज गुरु रविदास महाराज जी जो अपना प्रभाव फेरी है अपने घर बुला के अपनी सारी संगत का बहुत इज्जतमान किया है, लंगर लगवाया है, चाह पानी के लंगर, मिठाई के लंगर बहुत ज्यादा इन्होंने सेवा की है। तो गुरु महाराज के अरदास करते हैं कि गुरु महाराज साढ़े वीर रामकिशन और साड़ी भैन बीना लंबी लंबी आयु देना और अच्छी सेहत देना ताकि इसे तरह गुरु दरबार के नाल जुड़े रहन, गुरु महाराज की सेवा करते रहन और गुरु महाराज का आशीर्वाद है प्राप्त करते रहन। तो गुरु महाराज के प्रकाश उत्सव के सारे परिवार लाके वालों सारे लख लख बधाई और बेनती करते हैं कि कल आखिरी प्रभात फेरी है और परसों शोभा यात्रा है, सारे ने 9:30 बजे श्री गुरु रविदास मंदिर पहुंचना ताकि 10 बजे जो है शोभा यात्रा जो है चलेगी। और इस बार जो जन्मदिन है 2 बार मनाया जा रहा है, शनिवार और ऐतवार 24 तरीक और 25 तरीक न 24 तरीक अपना सारा जो है चंडेई रस्म होगी और 25 तरीक न आप सब के सहयोग के नाल जो है गुरु रविदास महाराज का कवि दरबार होगा और उस तो बाद जो है अटूट लंगर भी बताया जाएगा। तो सारी संतों को बेनती है कि अपने 23 तरीक न पहुंचना है, 24 नु पहुंचना और 25 नु गुरु रविदास महाराज जी का जो है जन्मदिहाड़ा मनाना है।
ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਟੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨਲਾਲ ਜੀ ਖਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਫਿਕਰ ਖਤਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾ ਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰੀ ਮੌਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ